आपका हार्दिक स्वागत है। आज हैं हम शाल नगर वार्ड नंबर 1 लोनी क्षेत्र गाजियाबाद के अंदर। नवनिर्वाचित कैंडिडेट हमारे बीच में हैं। आइए हम इनसे कुछ बात करते हैं कि उनकी जो जीत है वो किस प्रकार से जीते हैं और उनका मुख्य उद्देश्य क्या है। आइए हमारे बीच में हैं चौधरी चरण सिंह जी। चरण सिंह जी, आपको यहाँ शाल नगर से आपने यहाँ एक ऐतिहासिक जीत प्राप्त की है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो, मुख्य उद्देश्य तो यही है, ये जीत मेरी नहीं है, पूरे गांव की, पूरे वार्ड की है। और मैं तो कुछ भी नहीं था, टिकट हमारे प्रदीप भाई साहब ने दिलवा दिया और बहन जी का आशीर्वाद रहा, हमें टिकट मिलने में हम उस पर खड़े उतरे हैं। और हमारी क्या जीत है, हम तो अकेले थे, पूरा गांव हमारे साथ, पूरा वार्ड एक नंबर वार्ड पूरा साथ, इसी में हमारी जीत होगी। आज भी हम इनके बहुत आभारी हैं, पूरे गांव के, पूरे वार्ड के, हम इनका धन्यवाद करते हैं। जी, ये जो आपका जो वोट परसेंटेज है, तो टोटल वोट यहाँ कितना था? टोटल वोट हमारे यहाँ 4300 पड़ा है। 4300 वोट पड़ा है? हाँ, 4300 वोट पड़ा है हमारे में, 792 वोट हमें मिली हैं। टोटल कैंडिडेट कितने थे यहाँ पर? टोटल कैंडिडेट 11 थे। 11? हाँ जी। तो ये भारतीय जनता पार्टी और सपा व अन्य सभी पार्टियों को मिला के? हाँ, जो लोकदल के भी थे और कांग्रेस का भी एक कैंडिडेट था और सपा का भी और बीजेपी का, दूसरे नंबर पे बीजेपी का कैंडिडेट रहा है। जैसे कि अब यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर योगी नाथ की सरकार चल रही है और उसके तहत आपने जो है इतने कैंडिडेटों को एक मात दी है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा, इन्हें मात देने के बाद, खासकर बीजेपी के कैंडिडेट को हमने मात दी है और हमारी पार्टी आज आगे भी मात देती आएगी। अभी बीच में क्या था, बहुजन समाज पार्टी का रेशो बिल्कुल डाउन हो गया था और सारे ही जो बहुजन समाज पार्टी से एक एतवार रखते हैं और एक उम्मीद रखते हैं, एकदम उन बिल्कुल ही ओझल हो चुके थे कि भाई हमारा ये संगठन कैसे बढ़ेगा, बहुजन समाज पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी। तो आपने ये पहला इतिहास यहाँ दिखा दिया कि एक दिल्ली NCR के अंदर जो गाजियाबाद जो शाल नगर जो क्षेत्र है, आपने इसमें जीत की है। तो यहाँ जो आपको जो चुनौतियाँ, किन किन बात की आपको यहाँ चुनौती उठानी पड़ेंगी? देखो, ऐसी तो कुछ बात नहीं है, हमारी सरकार तो पहले भी इनसे आगे थी, अब बीजेपी की सरकार तो देखो अभी दूसरे नंबर पे हमारी सरकार रही है, बहन जी ने जो अच्छे काम किए हैं उनकी बदौलत अभी सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जीते हैं। बीजेपी की तो कहीं ना कहीं 19-20 बात रही है, कहीं घपलेबाजी भी हुई है, जैसे कि मेरठ में दिखाया गया, मशीन पे वोट पड़ रही है, हाथी पे देने आ रहा कैंडिडेट और जा रही है बीजेपी को, ये तो चला ही है बीजेपी की सरकार में। और अब भी हमारी तो सबसे परसेंटेज सबसे ज़्यादा ही है आज भी। अभी के जब विधानसभा के चुनाव हुए थे उस समय भी एक आरोप लगाया गया था कि ये मशीनों के अंदर गड़बड़ है, और अभी जो एक देख रहे हैं और हम काफ़ी दिखाया भी हमने कि 5 जगह 12,784 वोट एक रेसो में पड़े हैं, 12,784, झांसी का ले लें, इलाहाबाद का ले लें और कई जगह का ले लें, तो इन जो एक जो रेसो आया, इसका क्या एक तात्पर्य, क्या महत्व है इसका? देखो, बात ऐसी है, बहन जी के जो काम हुए हैं, अच्छे काम जो हुए हैं, अब जैसे कि हापुड़ में कैंडिडेट 5700 वोटों से आगे था, हमारा जो कैंडिडेट था निर्दलीय कैंडिडेट 5700 वोटों से आगे था, उसके बाद में बीजेपी ने दिखा दिया 700 वोटों से बीजेपी का कैंडिडेट जीत गया, ये तो सरासरी बेईमानी थी। इसमें ऐसा ही उसमें मेरठ में हुआ था, हाथ धरा था वो कहीं हाथी पे और वोट जा रही थी बीजेपी को, इनके जो कैंडिडेट जीते हैं ज़्यादातर वहीं जीते हैं जहाँ मशीन से वोट डली है, बैलेट पेपर पे इतने क्यों नहीं जीते? जैसे हमारी बहन जी ने कहा था कि हम अस्थि पदवाते हैं अपने चेयरमैनों से, आप भी दिलवा दो, क्यों नहीं दिलवाया इन्होंने? ये चुप हो गए, चुप होना नहीं था इन्हें, बोलते, बहन जी ने तो साफ कह दिया आप भी अस्थि पद दिलवाओ, मैं भी दिलवा रही हूँ, दोबारा चुनाव करवा दो बैलेट पेपर से, ये चुप लो गए, ये लोग इनमें कमी है, जब ही तो चुप हो गए। नहीं, अब आप शाल नगर के अंदर आप जीते हैं, शाल नगर के अंदर ऐसी ऐसी कौन सी जो एक आम परेशानी है जिनको आपको जल्दी ठीक कराना है? देखो, गांव के अंदर तो कोई परेशानी है नहीं, कॉलोनी में ही थोड़ी परेशानी है, खरंजों की, नाली की, पानी का निकास नहीं है, यही काम है ज़्यादा। सर, लास्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप
जनता से क्या अपील करना चाहते हैं और किस तरीके की अपील करना चाहते हैं और किस तरीके से आप उनको सहयोग देना चाहते हैं और सहयोग लेना चाहते हैं? देखो, जैसे मैं काम करूँ, जैसे जनता भी मेरे साथ रहे इसमें, इनका कोई भी काम है मैं भी करूँगा, पर ये मान लें मुझ में कोई कमी आ जाए तो मुझे बताएं भाई तुम में ये कमी है, तो मैं उनसे यही अपील करूँगा भाई मेरे मुझे समझाएं भाई, मैं तो अभी बच्चा हूँ, जैसे कि मुझ पर काम अभी पहली बार में हम सभासद हो गए हैं, तो उसके बावजूद भी हम में कोई कमी रहती है तो हमें समझाएं, बाकी हम उनका काम पूरा करेंगे, मेरी यही अपील है। आप थे चरण सिंह जी साल नगर वार्ड नंबर 8 से, इन्होंने अपील की है कि यदि मेरे अंदर कोई कमी आती है या मेरे कार्य क्षेत्र के अंदर कोई कमी आती है, डायरेक्ट आके मेरे से मिलें और मेरी कमी को बताएं, मैं उन कमियों को सुधारूंगा और मैं रात दिन 24 घंटे मैं जनता के साथ हूं, पहले भी जनता के साथ था। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि मैं पहली बार जीत कर आया हूं, इतना अनुभव मुझे नहीं है, लेकिन जनता का अनुभव बहुत अच्छा होता है कि अभी एक जो बीजेपी की जो सरकार चल रही है उसके तहत जो काम है, लोगों को काम नहीं करने दिए जाते, और आज इन्होंने पूरा प्रण कर लिया और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को इन्होंने पढ़ा है, मायावती के शासन को देखा है, किस तरीके से हम कार्य करेंगे और काम को हम आगे पहुंचाएंगे। कैमरामैन गौतम के साथ मनोज पिप्पल, साल नगर लोनी क्षेत्र गाजियाबाद।